नमस्कार दोस्तों, मैं तुझे फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और लगातार हमारे पास देश के अलग अलग भागों से बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जो बिजनेस रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चनों को या जो भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा टच आउट किया जाए ताकि लोगों का मदद हो पाए और अपना भी थोड़ा थोड़ा स्किल्स या काम जो है, अपना जो ग्रुप है वो इंक्रीज हो और बढ़े। तो इसी सिलसिले में एक लगातार हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था कि MIDC जो कॉरपोरेशन होता है मुंबई में, जो इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब जो प्लेस होता है उसको अलॉट करता है, तो अगर उसमें किसी को रजिस्ट्रेशन लेना है या पार्टिसिपेट करना है तो क्या प्रोसेस है या क्या सिस्टम है? देखिए, जो भी कभी भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलते हैं तो गवर्नमेंट ने हर एक जगह पर कुछ इंडस्ट्रियल एरिया को पार्ट करके रखा हुआ है, डिवाइड करके रखा हुआ है, और उसमें क्या करती है गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट का सारा व्यवस्था उसमें गवर्नमेंट पहले से ही सिस्टम बना के रखती है। अगर उसमें किसी व्यक्ति को जाके पार्टिसिपेट करना है या वहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना है तो बहुत सारा स्कीम भी गवर्नमेंट उसमें देती है, तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है हमेशा नहीं होता है। आप अपना कंपनी जैसे मैन्युफैक्चरिंग खोलिएगा तो आप अपना कंपनी का पेपर, ऑब्जेक्टिव, पैन कार्ड, डायरेक्टर का डिटेल्स, ये सारा कुछ लेके इसका गवर्नमेंट का ई नोटिफिकेशन निकलता है, और जो आपको बहुत सारा गवर्नमेंट का वेबसाइट और टेंडरिंग वेबसाइट उस पर मिलेगा आपको, और जो है ये जो लोकल न्यूज़पेपर है आपका मुंबई में जो चलता है या मराठी में हो या इंग्लिश में हो, जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन होता है, आप उसको थोड़ा फॉलो कीजिएगा। तो उसमें MIDC का हमेशा प्लॉट बुकिंग का जो इंडस्ट्रियल स्टेट में है उसका हमेशा ही ऑप्शन होता है, या मान लीजिए उसका टेंडर पार्टिसिपेंट निकलता है तो आप उसमें बहुत ही आराम से अपना डॉक्यूमेंटेशन दे के उनका फी जो होता है वो जमा करके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद उसमें उसका लॉटरी सिस्टम होता है, और जो उसमें जो भी पार्टिसिपेट किया और फिर वो लॉटरी के थ्रू वहाँ पे जो प्लॉट बुकिंग का जो काम करते हैं निकाल के देते हैं, अगर लॉटरी के थ्रू आपका भी आता है तो आपको भी MIDC में स्पेस जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत आराम से मिल जाएगा। ये कॉमन प्रोसेस है, जैसे आपने फ्लैट में देखा होगा सरकारी फ्लैट में DDA का दिल्ली में ऐसा निकलता है तो लॉटरी के सिस्टम से होता है बुकिंग करके, तो सेम सिस्टम भी ये MIDC में ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, और गवर्नमेंट का चीज़ है। हो सके एक बार में आपको ना मिले तो जब भी ऐसा मौका मिले आप उसमें अप्लाई कीजिए, और वहाँ करने से बहुत सारे बेनिफिट भी है कि आपको मार्केट की जानकारी या मान लीजिए बिजनेस की जानकारी या मार्केट में क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आ रहा है, और एक एसोसिएशन की तरह हो जाता है जो बहुत अच्छा आपके लिए काम कर रहे हैं। किसी रूरल एरिया में जाकर मैन्युफैक्चरिंग खोलने से अच्छा है कि आप वहाँ पर बैठ के अगर MIDC में आपको जगह मिलता है तो वहाँ पर आप जरूर अपना प्रोडक्ट बुकिंग कराइए। आपके लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन पूछा होगा उसका आंसर आपको मिल गया। धन्यवाद।